खरगोन जिले में नगर पालिका प्रशासन की पहल पर 100% वैक्सीनेशन के लिए 2 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी महकमा भी घर घर जाकर टारगेट पूरा करने में लगे हैं। ऐसे में भूखी प्यासी महिलाओं को नगर पालिका कर्मचारियों ने खाना नहीं दिया, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मान सम्मान की बात कहते हुए नगर पालिका के कर्मचारियों पर आरोप लगाया कि खाना होने के बावजूद उन्हें खाना नहीं दिया गया। वहीं पूरा मामला उजागर होने के बाद नगर पालिका कर्मचारी अपना दामन बचाते हुए गोलमोल जवाब देते दिखाई दिए, जो बड़ी चिंता का विषय है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। क्या आरोप है आपका? ड्यूटी हम लोगों की लगी है, ड्यूटी से भी तकलीफ नहीं है, और आरोप हमारा ये है कि हम लोगों को नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा बेइज्जत किया गया। बस यही है। उन लोगों ने भोजन के पैकेट रखे हैं, उनके पास रखे हुए थे, उनके सामने हमने देखे उनके पास रखे हुए, और हमको ये कहा कि भोजन नहीं है। हम लोगों का भोजन के लिए लड़ाई नहीं है, सिर्फ हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। हमको भगाया गया। आपकी ड्यूटी किस लिए लगाई थी? हमारी ड्यूटी एसडीएम साहब ने लगाई है, और जब पीडीएफ डाला है तो सभी को जानकारी है किसकी ड्यूटी कहाँ लगी और कहाँ कितने कर्मचारी है। ये कर्मचारी तो बता रहे कि हमको इनकी संख्या ही नहीं मालूम है, वो झूठ बोल रहे हैं, और वो अगर झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो एसडीएम साहब ही जवाब देंगे फिर हम लोगों के पास। अच्छा, आपका क्या काम क्या था यहाँ ड्यूटी? हम लोगों का काम था कि जहाँ सर्वे घर घर जाना है लोगों के पास, और उनसे पूछना है टीका लगाया नहीं, जिनको नहीं लगाया उनको केंद्र तक पहुँचाने का। कितने रोज की ड्यूटी लगी आपकी? आज और कल 2 दिन का है। कब से ये काम चल रहा है अभी? ये लोग तो सुबह 10 बजे आए थे, हम लोग यहाँ पर 9:15 बजे आ गए थे, बाकी यहाँ पर कोई नहीं था, केंद्र भी नहीं खुला था, तो हम लोग फिर उधर चक्कर लगाने चले गए, और फिर उसके बाद हमको फोन किया तब। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है उसको सजा मिले, बस हम ये चाहते हैं। हम यही चाहते हैं। रेखा चौहान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, केंद्र 77। आरोप लगा रही मेरे पर, मैं तो खुद ही ड्यूटी कर रहा है एक कम से वार्ड। सुनो मेरी बात, महिला बाल विकास विभाग ने अपने को कोई जानकारी दी नहीं कि हमारे कितने कर्मचारी रहेगी, उसके बाद भी अपन खाना कम पड़ गया तो 100 पैकेट और बनवा रहे हैं। अभी मैंने उनको पूछा कितनी महीना है, बोले अब हमको खाना ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई, अब कोई तुम्हारी संख्या तो हमको कोई बताई हुई नहीं थी। नहीं, उनका यही आरोप है कि हमको खाना नहीं दिया, हमें सुनाने के भूखे नहीं, हम तो दो महिला बाल विकास, अब इतनी महिला आ जाएगी इसका थोड़ी अंदाजा। इतनी महिला आपको नहीं मालूम था कि कितनी ड्यूटी लगी है? खाना जो है कम बनवा रहे हैं, कम पड़ गया तो बनवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश पाटिल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।